दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक इंडिया में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं नोकिया का फ़ोन, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह का है नोकिया 105। तो अभी खोल के दिखाएंगे कि ये किस तरह का है। पहले तो लगभग सभी इसके इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग भी ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा फ़ोन जैसे कि अब 1000 के आसपास, और आपने किसी परिवार वाले को या बुज़ुर्ग लोग हैं जो कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करने में उन्हें दिक्कत होती है, तो आप लोग इसे भी गिफ्ट कर सकते हैं इस तरह के फ़ोन को। और हम इसको दिखाएंगे किस तरह का है और इसके फीचर्स कैसे होगा इसके ये भी। तो चलिए अब इसका अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा फ़ोन, और इसके अंदर होगा कुछ एक्सेसरीज, और ये इसका बैटरी, और ये कुछ है। तो उनको करते हैं साइट, हम इसके बैटरी को लगाएंगे और फिर बताएंगे आप लोगों को। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है, और अभी इसको हम बैटरी लगा के आप लोगों को दिखाएंगे। ये कुछ इस तरह के से लग जाते हैं इधर। अब हम इसके कवर को भी लगा देते हैं। तो ये लग चुका है पूरी तरह से। तो इसके ऊपर की तरफ जो दिया गया है वो इसका चार्जिंग पोर्ट माइक्रो यूएसबी वाला, और ये है टॉर्च। अगर अंधेरे में किसी को अगर निकलना होगा तो इसमें बहुत ही मददगार होगा। आप कह सकते हैं कि जैसे कि स्मार्टफोन का जो सुई होता है फ्लैश होता है, आप कह सकते हैं इसका फ्लैश लाइट है। और इसमें जो दिया गया है वो ये हेडफोन के लिए, शायद आप लोग हेडफोन अगर लगा के सुन सकते हैं रेडियो वगैरह, और म्यूज़िक भी इससे सुन पाएंगे। और अगर बात करें इसकी चार्जिंग क्वालिटी कितना वक्त तक जाएगा, तो अगर नॉर्मल यूज़ में तो आप एक दिन तक तो आराम से निकल पाएंगे आप लोग। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा अगर ये आपको इस वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।